लहानपण दे ग देवा असं मोठं झाल्यावर प्रत्येक जणालाच वाटतं कारण लहानपणीच्या ज्या सुंदर आठवणी आहेत त्या आठवणींना मोठं झाल्यावर नेहमीच पालवी फुटत असते असं म्हणतात की लहानपणी जी आपली आकलन क्षमता असते ती खूप जास्त असते त्यावेळेस आपण नवनवीन गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करत असतो आपल्यात उत्साहदेखील तेवढाच असतो तर आज आपण असा छोटा पॅकेट बडा धमाका असणाऱ्या उर्वांश अगरवालला भेटणार आहोत उर्वांश हा नऊ वर्षांचा आहे आणि त्याने कोरोना काळात जे त्याने चित्र काढली त्याचा आता एक त्याने पुस्तक प्रका प्रकाशित केलेला आहे तर आपण भेटूया उर्वांशला तुम्हा तुम सबसे पहिले तुम्हाला नाम बताओ तुम कितने साल के हो मेरा नाम है उर्वांश मनीष अग्रवाल मैं नौ साल का हो अभी में मैं दस साल का हो जाऊंगा ओके तो तुम तुमने अभी तुम्हारी एक ड्रॉइंग बुक पब्लिश की है उस ड्रॉइंग बुक का नाम क्या और उसमें कितने ड्रॉइंग्स हैं उसमें वन सेवेंटी सिक्स ड्रॉइंग है और उसका है माई आर्ट बुक नाम ओके okay. तो ये ड्राइंग तुमने कब स्टार्ट की ड्राइंग करना कब स्टार्ट किया लॉकडाउन हुआ उसके एक महीने के बाद मेरे को एक महीना पूरा बहुत बोर हुआ मैं क्या करूँ अभी तो मैंने गूगल हाँ। से पिक्चर्स निकाले और उसकी ड्राइंग बनाई और फिर मैं धीरे धीरे अपने पास वो स्टोर करता गया फिर तो वो इतनी सारी ड्राॅइंग्स हो गई कि घर में रखने को जगह नहीं थी तो फिर मैं सबसे पूछ रहा था मैं क्या करूँ उसका क्या करूँ फिर मेरी एक म, मेरी एक मैडम है सानिया मैडम उसने मेरे को आइडिया दिया कि मैं उसकी बुक बना दूँ तो मैंने उसकी बुक बनाई मेरे पापा विजन पब्लिकेशन के मैनेजर है उनने हमारा वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और मेरी बुक पब्लिश कर दी ओके okay. सो so, जो तुम आ, ड्राइंग कब से करो और सबसे पहला ड्राइंग कौन सा किया था कि तुम तुम्हारी बुक के लिए वो मैंने द, बुक के लिए फर्स्ट ड्राइंग तो मुझे याद नहीं ओके okay. तो, तो फिर ड्राइंग कब से कर रहे हो तुम ड्राइंग कब से आ, आ रहा है तुम्हें अच्छा आ, लग रहा है मैं फ, पहला ड्राइंग तो मैंने जब मैं यूकेजी में था तब सान्या मैडम एक दिन दुकान पे आई थी हाँ। उस दिन एक डोडो बर्ड का उन्होंने प्रिंट आउट निकाला हम्म तो वो लोग कुछ पिक्चर्स निकाल रहे थे पप्पा और सारी मैडम उसमें एक डोडो बर्ड था मैंने पप्पा से एक और एक उसका प्रिंट आउट निकाल लिया और फिर मैंने उसको कलर करना शुरू किया तो फिर अगले दिन से मैं दूसरे वापस और ड्राइंग्स निकालने लग गया और उसको कलर करने लग गया फिर उसके अगले साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बार हम स्कूल में थे उस दिन तब तक हम स्कूल में कोई ड्राइंग्स बुक्स में ड्राइंग्स नहीं करते थे लेकिन फिर उस दिन हमारा पहला लिटरेचर का लेसन था जिसमें मैडम ने हमको फर्स्ट पेज पे एक माउस का फोटो मतलब हमारा लेसन माउस पे भेज था तो का फोटो ड्रॉ करने को बोला तो अभी हम वो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने कभी बुक में ड्राइंग नहीं की तो उस दिन पहले दिन मैंने ड्रॉइंग स्टार्ट की और मेरे को उस ड्रॉइंग में स्टार मिला मैडम के हाथ से ओ तो तुम्हें यूकेजी से ही ड्रॉइंग आती है हाँ यूकेजी से कलरिंग आती है कलरिंग और अभी जो तुम्हारी ड्राइंग बुक है उसमें तुमने स्केचेस निकाले हाँ सिर्फ ऐसे क्यों किया मतलब कलर करके क्यों नहीं दिया तुमने कलर करके क्यों नहीं दिया क्योंकि बच्चों को भी उसको कलर करना आना है और किसी को कलर उनको स्केच किसी को स्केचिंग नहीं आते लेकिन उनके कलर कलर जो कॉम्बिनेशन रहते वो बहुत अच्छे रहते तो उनके उसके लिए मैंने वो नहीं निकाला मतलब बच्चे अपनी खुद की आयडिया से, से उस तुम्हारे जो स्केचेस है उसमें कलर भर दे इसलिए हाँ। तुमने उसमें सिर्फ स्केचेस ही निकाली कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे आपण सर्वच घरी होतो उर्वांश तेव्हा आठ वर्षाचा होता पण त्याने त्याचा टाईम मॅनेजमेंट करून काहीतरी क्रिएटिव्ह करायचं ठरवलं छोटा भीमला पाहून तो इन्स्पायर झाला त्याचे लाडू पाहून त्यालाही वाटलं जसं भीम लाडू खातो आणि तो चांगलं काम करतो मीही लाडू पाहून काहीतरी चांगलं काम करतो म्हणजे त्याने त्याचं ते जे स्किल आहे ते ड्रॉईंगमध्ये इम्प्रूव्ह केलं तर प्रत्येक छोट्या मुलाने आपली क्रिएटिव्हिटी अशीच जपून ठेवावी आणि त्याला कोणत्या एका नव्या स्वरूपात त्याला वळण द्यावं अशाच नवीन इंटरेस्टिंग कहाणी पाहण्यासाठी पोलिसनामाच्या फेसबुक आणि यूट्यूब पेजला सबस्क्राइब आणि फॉलो करा अनक्षा विजयकुमार पोलिसनामा पुणे